राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष को पगड़ी पहनाते हुए प्रियंका राहुल गांधी के सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा धर्मपाल गुप्ता जी से, वो आए और कौशिक जी को अपना शब्दों के द्वारा और सहयोग का आश्वासन। धन्यवाद। बहुत बहुत आदर व सम्मान के योग्य राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जगदीश शर्मा जी, भाई ये थोड़े से मेरे ख्याल में पीछे वाले थोड़े से साइड में हो जाते हैं, पीछे वाले देख रहे हैं, उनके साथ आए हुए राहुल प्रियंका सेना के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गौरव जी मंच पर विराजमान, भाई आपके हलके के चहेते आदमी भाई मोकम छोकर जी कर रहे हैं, भाई शर्मा जी को आपके हलके की मिठाई पसंद थी तो वे उनको ये कहने लगे कि संभालका से मुझे मिठाई चाहिए, इनको पता नहीं किसने बाबूराम कौशिक ने जाके भेंट की या किसने दी थी, तो ये कायल थे आपकी मिठाई खाने के लिए, तो आधा घंटा इनको वहां लगा के मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई लेनी है, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश को छोड़ करके वो संभालका हल्के के अंदर आपके गांव के अंदर आकर के आपकी मिठाई, भाई उनको पैसे भी मैं देने लगा लेकिन उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, बोले मैंने खुद खानी है इसलिए मैंने पैसे भी खुद दे रहा हूं। तो ये जो शख्सियत आपके सामने बैठी है बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये कोई आम आदमी नहीं है, कहने को ये जगदीश शर्मा है, कहने को ये राहुल प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये आदमी कौन है इनके बारे में बताना जरूरी है। ये आदमी वो है जिसने मोदी की नाक में दम कर रखा है और मोदी ने इनके घर छापे भी डाल लिए, पकड़ने का भी काम किया, लेकिन क्योंकि ये ईमानदार आदमी आज तक उनके काबू नहीं आए, उल्टा और ज्यादा अट्रैक्टिव होकर के और ज्यादा ऑफेंसिव होकर के और ज्यादा तन मन धन से मोदी के खिलाफ एक एक आवाज ऐसे उठाते हैं कि आपका भला पूरा करने का काम करते हैं। आज साथियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये मैंने खुद देखा है जब भारत जोड़ो यात्रा में पानी बताए थे और अंबाला के अंदर राहुल गांधी ने दूर से इनको बुला करके कहा था ऐसे हाथ दे करके, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने किसी आदमी को किसी नेता को हाथ दे करके नहीं बुलाया, लेकिन इनको हाथ करके इशारा करके कि जगदीश शर्मा जी आओ, और अपने साथ राहुल गांधी ने इनको बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि ये आपकी आवाज, 36 बरादरी की आवाज, किसानों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारियों की आवाज, सारी आवाज उठाते हैं मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं उसके बारे में बेधड़क बेहिचक और खुल करके बोलने का काम करते हैं। मैं तो इनको कह रहा था, मैंने कहा आप दिल्ली संभालो, आप सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ करके दिल्ली संभालो, आज दिल्ली के अंदर जरूरत है, और मैं तो कहूंगा हरियाणा भी संभाल लो, है जी। लेकिन इन्होंने आपके लिए हरियाणा के लिए भाई बाबूराम कौशिक को छोड़ दिया, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा आप ही संभाल लो भी ब्राह्मण सीट है आप संभाल लो, कहने लगे नहीं मेरे से ज्यादा फाइटर आपके हलके का आपके गांव का बाबूराम कौशिक है और उसी को मैं इस बार टिकट दिलवाऊंगा, ये आपसे वायदा करके जाएंगे आज, और नहीं करके जावे तो भाई को पकड़ लेना, मुझे पहले वायदा करो यहाँ पे। बाबूराम कौशिक को भी बहुत साल हो गए मैं देख रहा हूँ, 24 घंटे
आपकी सेवा में पूरे हरियाणा में पूरे देश में, कभी सेवा दल में, कभी कांग्रेस में, कभी शैलजा जी के साथ और कभी किसी के साथ, ये बहुत तन मन धन से लगे रहते हैं। लेकिन एक आज ये इस रास्ते पे हैं कि हमारी नेता कुमारी शैलजा जी वो भी इनको प्रेफर करती हैं और बड़े लाड प्यार करती हैं। शैलजा जी दूर दूर से देख करके भी इनको कहते हैं भाई बाबू राम जी आओ, सम्मान देती हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि पार्टी के नेता चाहे कुमारी शैलजा जी हो और चाहे पार्टी के नेता हमारे भाई जगदीश शर्मा जी हो, पूरा सम्मान देते हैं। आपने भाजपा का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, आज भाजपा से और आपने राज देखा, भाजपा का राज आप देख रहे हो। आप जुमलों में आकर के आपने वोट दी, आपने देखा कि 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां महीने में मिलेंगी, गैस का सिलेंडर इसने शुरू में आकर के कहा कि भी फ्री कर देंगे, तरह तरह का प्रलोभन देने का काम किया। लेकिन आज ये सरकार मांस निकालने का काम कर रही है, आज ये सरकार आपको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आपके गांव के अंदर यदि कोई स्कूल होगा, मुझे नहीं पता कि आपके गांव में स्कूल है नहीं है, उसको बंद कराने के लिए भी ये तत्पर है। पूरे हरियाणा के अंदर कितने स्कूलें बंद करा दिए, आपके अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, किसानों के अंदर जो है ना वो हमारे जो फसल का रेट है वो पूरा नहीं दे रहे। हमारे बच्चों को फौज में नौकरी मिलती थी, वो 4 साल की कंडीशन लगा करके उनको खराब करने का काम किया। मैं आज ददराना गांव में था, रो रहे थे लोग, रो रहे थे साथियों, छोटे छोटे बच्चे, क्या युवा बच्चे कह रहे थे कि हमारे को एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। कांग्रेस ने फैसला किया कि नौकरी भी देंगे, महिलाओं के लिए पूरा सम्मान होगा। आज जो महिलाओं की दिन दहाड़े जाकर के इज्जत लूटी जाती है, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपए का है वो किया जाएगा। राजस्थान के अंदर आप छत्तीसगढ़ में देखोगे, महिलाओं के लिए अलग से हर महीना कहीं 3,000 कहीं 4,000 हर महिला को पैसे देने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार, तो हरियाणा में भी वो करेगी। ये माताएं बहने बैठी है, ये अपने दूसरे की तरफ देखना पड़ता है पैसे की तरफ, लेकिन सरकार बनने के बाद उनको भी पैसा देने का काम किया जाएगा। और एक हमारे नेता भाई जो बाबू राम जी लगे रहते हैं 24 घंटे में, और उनके ऊपर बाबू राम जी के ऊपर वो हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी जो राष्ट्रीय कई बार के अध्यक्ष बन चुके, कई बार के मंत्री रह चुके, कई बार के वो MLA रह चुके, और आज वो बैकवर्ड सेल के पिछड़ा वर्ग के आज वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका भी आशीर्वाद इनके ऊपर है। और भाई उन्होंने भी वायदा कर रखा है कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरे को खुद कहा उन्होंने कि मैं बाबूराम कोसी के लिए MP की टिकट के लिए पूरी कोशिश करूंगा, मेरी चली तो भाई उनको मैं टिकट दिला के छोड़ूंगा। तो ये भाव अब आपका बच्चा है, आपका भाई, आपका बेटा है, इसको आपने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है और आपने इस काबिल इसको बनाया है कि ये जो है वो देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, और उसमें ये 100% कामयाब हुआ है। इसके बहुत भारी संबंध है। किसी भी भाई को पूरे देश में, गांव वाले सुन लो, किसी भी भाई को कोई पूरे देश में किसी चीज की जरूरत हो तो ये आपका छोकरा, आपका बच्चा, ये पूरे देश के अंदर इसके संबंध है। किसी भी सरकार से, किसी भी नेता से, किसी भी अफसर से ये आपका काम बनवा सकता है, इसका फायदा आप उठाओ। ये आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि अपना घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध, ये आपके बीच में एक शेर बैठा है, ये बहुत बड़ी ताकत है। मेरे से बड़ी भी ताकत ये है, इसके हाई कोर्ट के जज पता नहीं कहाँ कहाँ के, इसके क्या क्या संबंध है, इसका फायदा उठाओ और इसको इस काबिल बनाओ कि ये आपकी सांसद बनकर के आपकी सेवा कर सके। मुझे पूरा यकीन, विश्वास, भरोसा है कि जगदीश शर्मा जी हमारे जो नेता हैं, ये भी इनको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और सबसे पहले आशीर्वाद आपने दिया है, आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की। अब जो लोग BR कोसी
बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आप ही में से किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ और किसी का साथी हूँ। मेरा जन्म हरियाणा का है, गांव पटौदी, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांवा, और हरियाणा से मुझे इतना प्यार है, मैं दूध भी हरियाणा से मंगाता हूँ और घी भी हरियाणा से मंगाता हूँ, और हरियाणा का दूध और घी है जो मुझे ताकत देता है मोदी से लड़ने की, इन झूठों से, चोरों से, देश बेचने वालों से लड़ने की। एक मेरा नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है कि डरो मत, डराओ। हम डरने वाले नहीं है, हम देश बेचने वाले नहीं है, हम लोग देश बनाने वाले हैं, और आप सबका ही खून, आप सबका ही गांव का दूध ही हमारे बीच में है। मेरी मुलाकात जो बाबूराम कौशिक जी से हुई, वो कैसे हुई बताना चाहता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया में देखता था कि एक मेरे जैसा और क्रांतिकारी वीर हरियाणा में उभर रहा है, हर समय सुबह शाम दोस्तों के बीच मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह देखने को मिलता है, सुबह निकलता है, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, सबकी सेवा भावना से काम कर रहा है। तो मैंने राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से बात करी कि ये साथी मुझे चाहिए। राहुल प्रियंका गांधी सेना में इसको मैंने उपाध्यक्ष बनाया ऑल इंडिया का, और वो दिन है, रात का दिन है, ये सुबह शाम आपकी सेवा में, बल्कि पूरे भारत में मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम किसान के बेटे हैं, हम जवान हैं, हमारे भाई जवान हैं, हमारे जवानों ने देश पर शहादत दी है। हर गांव में कोई ना कोई फोटो लगी होगी, ये हमारे वीर शहादत जो अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए जान देकर आया है। ये कहते 4 साल का वीर बनाएंगे, ये वीर नहीं बना रहे हैं, ये रणथोड़ बना रहे हैं। 4 साल में तो आदमी भाग जाएगा, माना युद्ध छिड़ जाए 2 साल के बाद, वो अपने बच्चे देखेगा या देश की बात करेगा, उसे पता है कि 4 साल के बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई मेरे से रिश्ता नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि गांव का आदमी बड़ा भोला भाला होता है और उसकी नौकरी देकर अपनी बेटी देता है, अपनी बहन देता है, उससे भी वंचित कर दिया है। कहना कि मैं समझता हूँ ये देश में झूठों की सरकार जो चल रही है, हम सबका धर्म बनता है इनका विरोध करने का, चाहे मेरी माताएं, बहनें, भाई, पिता, जब बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि देश को बचाना हम सबका काम है, हम सबको बचाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये देश हमने बनाया था और बनाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। 200 ईडी वाले इन्होंने मेरे घर भेजे, मेरे गांव में, मेरी बहन के यहाँ, मेरे भाई के यहाँ, और खूब डराया, लेकिन हम डरे नहीं। मैंने कहा हम चोर नहीं है, हम नहीं डरेंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जेल में डाल दोगे। जेल में महात्मा गांधी भी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे, हमारे नेता ने यही कहा कि चौकीदार चोर है, पूरा देश देखता रहा और कहता रहा कि चौकीदार चोर है, और चौकीदार चोर निकला, पूरा चोर निकला, आपने देखा होगा। आज हर चीज अडानी को दे दी है। राहुल गांधी जहां भी जाते कहते हैं कि छोटे किसान की बात करो, महिलाओं की बात करो, व्यापारियों की बात करो, हमारी बहन बेटियों की रक्षा की बात करो। आपको याद होगा हरियाणा की बेटियां, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये मेरी बेटियां हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल आई थी, वो उसके घर के बाहर 3 महीने बैठी रही, इनके पास समय नहीं था मिलने का, उनका अपमान करा, पूरे हरियाणा का अपमान था। बहन बेटी किसी भी की हो, उसका सम्मान करना चाहिए, ये लोग तो सम्मान करना जानते नहीं है, इनका इतिहास ही ऐसा है। इनकी खुद की बीबी देख लो कहाँ है, वो दर बदर भटक रही है, तो पता भी नहीं है या नहीं है। ये लोग संस्कारी नहीं है, ये लोग मारना जानते हैं, ये तड़ी पा रहे हैं, गुंडे हैं, और सही मायने में देश को बेचने वाले हैं। ये कौन है, ये वही सावरकर की औलाद है, धीरे धीरे सामने आ गई है, ये वही लोग हैं जो हमारे क्रांतिकारी वीरों को अंग्रेजों से मरवाते थे, आज ये सत्ता में आ गए हैं। पर हमें डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि किसान को मजबूत करना हमारा धर्म है। मेरा नेता राहुल गांधी जी आज भी छत्तीसगढ़ में किसान के घर बैठा है, जवान के घर जाता है, शहादत देने वाले परिवार के घर जाता है, और कहीं ना कहीं बढ़ई के, कुली के, हर उस गरीब आदमी के घर जाता है, क्योंकि गरीब आदमी को सम्मान करता है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हरियाणा का ऑफिस देख लो, पूरे भारतीय जनता पार्टी को ऑफिस देख लो, 5-स्टार ऑफिस बना दिए हैं, हमारे आज भी वैसे ही है, क्योंकि हम सरकार में आते हैं और सेवा में लग जाते हैं। हमारी सोच, हमारी विचारधारा ही लूटने की नहीं है, ये तो पहले दिन से लूटना है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े 15 लाख के सूट। इन्होंने कहा कि हमने सबके बैंकों के अकाउंट खुलवा दिए हैं, आज पेनल्टी देनी पड़ती है। हमारे समय में मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, आप लोग बैंक में पैसा जमा करते थे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता था, आज जमा करके देख लीजिए,
आप निकालेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, बैंक में रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, आपकी किस्त टूट जाएगी तो पैसा देना पड़ेगा, खाता खुलवाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन्होंने हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, महंगाई सातवें आसमान पर है। जब ये झूठ बोलकर सत्ता में आए थे तो कुछ बाबा और कुछ नेता कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल 25-30 रुपए लीटर कर देंगे, कहाँ है वो लोग, 3 गुना बढ़ा दिया है, सिलेंडर आधा कर देंगे, डबल कर दिया है। कहीं ना कहीं इन्होंने गरीब आदमी को लूटकर अडानी को दे दिया है। एक किसान 2 लाख रुपए कर्जा लेता है, 3 लाख भर देता तो उसे फांसी पर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसको ये सरकार छोड़ती नहीं है। और अडानी माल्या नर चौकसी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपया लेकर देश का चला गए हैं तो भी उनका माफ कर देते हैं। ये कैसी राजनीति है, ये कैसे संस्कार है, हमने नहीं सीखे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी देश के लिए काम कर रहे हैं, हमने देश के लिए शहादत दी है, प्रधानमंत्री 2-2 खो दिए हैं, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, और भी झूठ पड़ी तो बाबूराम कौशिक जैसे, जगदीश शर्मा जैसे, हमारे भाई राम रतन जैसे आदमी इस देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है और परिवार की रक्षा करना, परिवार को बचाना, यही हमें सिखाया जाता है। हम रन छोड़ नहीं है, हम आखिरी दम तक अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, और यही हरियाणा से हमें सीखना चाहिए। हरियाणा पूरे भारत में सबसे उत्तम प्रदेश है, हरियाणा में बहादुर बच्चे हैं, बहादुर जवान है, किसान है, और मैं समझता हूँ उन्हीं की सीख को लेकर भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं करना है, भाई से भाई को आगे बढ़ाने का काम करना है, ये हमारी रणनीति है। और मैं समझता हूँ बाबूराम कौशिक को भी सभी वक्ताओं ने, सभी भाइयों ने कहा कि एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात तुमने प्रियंका गांधी जी को बहुत टाइम पहले कह दी थी। हमें हर उस आदमी को टिकट देनी है जो जनता के बीच में है, जनता की बात करता है, जनता के लिए लड़ता है, जैसे बाबूराम कौशिक और धर्मपाल गुप्ता जी, ऐसे लोग अगर चुनकर आएंगे, ये ऊपर नहीं, ये आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में रहेंगे, आपके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ नेता जीतने के लिए आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, हम हमारे संस्कार नहीं है, हमने ऐसा सीखा नहीं है। और मैं समझता हूँ अब समय दूर नहीं है, 5 राज्य में चुनाव है और 5 राज्य हम जीत रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पद भी जीतेंगे और देश का नेता राहुल गांधी को बनाएंगे, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, ये जो महंगाई कम होगी, ये अभी भाई कहते सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, राहुल गांधी का बस चलेगा तो फ्री भी दे देगा। आपने देखा कर्नाटक में जो जो राहुल गांधी ने वादे करे पूरे कर दिए, हिमाचल में जो वादे करे पहले कैबिनेट में पूरे कर दिए, क्योंकि हम जो वादा करते निभाते हैं, हम झूठे वादे करते ही नहीं है, ये झूठे लोग झूठे वादे करते हैं, इनसे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे ही कल का भारत है, और कल का भारत मजबूत होगा तो मैं समझता हूँ हम सब खुशहाल और अच्छे तरीके से जी सकेंगे। तो मैं आपकी बात सबकी सुनी, मैं प्रियंका जी से, राहुल जी से फिर बात करूंगा कि बाबूराम कौशिक को हम एमपी देखना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, धर्मपाल जी हैं ये भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और मैं कहता हूँ बहन शैलजा जी का आशीर्वाद है दोनों को, और बहन शैलजा जी कोई छोटी नेता नहीं है, बहुत बड़ी नेता है, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने, और मैं दावे से कहता हूँ वो छत्तीसगढ़ को जिता कर लाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हम सबको एक होकर लड़ना है, झूठों की बातों में नहीं आना है, झूठ हमेशा झूठ बोलेंगे, देश बेचने वाले देश बेचेंगे, हमने शहादत दी और देश बनाया, और आपका यही बात समाप्त करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हाथ उठाकर कहो अगर बाबूराम कौशिक को टिकट मिलेगी, धर्मपाल जी को टिकट मिलेगी तो पूरा हरियाणा एक हो जाएगा और जीता कर भेजेगा। बाबूराम कौशिक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, धर्मपाल गुप्ता, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, जय हिंद जय भारत।